hello everyone welcome to another video tutorial uh, today we are going to discuss about nostoc it is blue-green algae so this is the general appearance of nostoc it's a chain-like structure तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन उसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात करेंगे और रिप्रोडक्शन नॉन स्टॉक में कैसे होता है उसकी बात करने वाले हैं ओके सो दिस इज द जनरल अपियरेंस ऑफ नॉन स्टॉक आलगी इट्स अ ब्लू ग्रीन आलगी वहाँ बीच में हिट्रोसिस दिख रहा है वो फूड स्टोरेज का काम करता है और उसके आसपास म्यूसिलेजिनस सीथ होता है जो उसका आउटर कवरिंग पार्ट होता है अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच सेल ऑफ न स्टॉक इज राउंड शेप उसके दो पार्ट होते हैं क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म क्रोमोप्लाज्म हम उसके आउटर लेयर को बोलते हैं जो कलर्ड पार्ट होता है और सेंट्रोप्लाज्म हम सेंट्रल बॉडी को बोलते हैं जो कलरलेस पार्ट होता है उसमें फूड स्टोरेज होता है और उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और वो न्यूक्लियस की तरह प्रेजेंट होता है तो इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म सो नाउ टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टॉक तो उसका किंगडम मोनेरा है क्लास सी में आता है ऑर्डर नोस्टोकेल्स जो सभी हम जानते हैं ऑर्डर हो उसको एल्स प्रत्यय से प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओके फैमिली जो होता है उसके पीछे एसी का प्रोनाउंसिएशन होता है नोस्टो केसी ओके

थैलस यानी कि सुकाई कंसिस्ट ऑफ मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एरेंज इन चेन लाइक मैनर में होता है और जो मोतियों की माला होती है वैसे हमें उसका स्ट्रक्चर अपियरेंस देखने को मिलता है और जो उसका सेल बॉडी होता है वो जिलेटिनस सीट के द्वारा कवर्ड होता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है सो दिस इज ऑल अबाउट नॉ स्टॉक स्ट्रक्चर अब हम बात करने वाले हैं हिट्रोसिस्ट की जो बीच बीच में पाए जाते हैं दे आर साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजीनियस एंजाइम इच फिलेंट इज कवर्ड इन म्यूसिलेजिनस सीथ के द्वारा वो कवर्ड होता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है सेल बॉडी का इट एब्जॉर्व रिटेन वाटर जो वाटर को एब्जॉर्व करता है जिलेटिनस जो सीत हैं वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का बना हुआ होता है जो नॉस्टॉक की पूरी सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ओके बेटा चलो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि उसमें जो कॉलोनी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज और कलर की होती है ओके दे आर मोस्टली ग्रीन इज ब्लू इज ग्रीन कलर एंड रेड ब्राउन एंड येलो ग्रीन कलर की भी पाई जाती है उसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नोस्टोसिन साइटोनेमिन ओके ये पिगमेंट क्या करते हैं जो यूवी रेडिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग सेल को प्रोटेक्ट करते हैं ओके एक्स्ट्रा सेल्यूलर पिगमेंट और उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सो लेट्स वी टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है क्रोमोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म ये हम आगे देख चुके हैं जो पेरीफलर एरिया में होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है जो इनर साइट में होता है वो साइटोप्लाज्म होता है ओके okay? सेल्स है वरियस पिगमेंट उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल फाइकोसाइनिन फाइको इिथ्रीन जो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है फाइकोसाइनिन है जो ब्लू कलर इंडिकेट करता है और क्लोरोफिल है जो ग्रीन पिगमेंट होता है एज यू ऑल नो ओके इनर साइटोप्लाज्म कंटेन इंस्पर्सियंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर बॉडी और डीएनए उसमें हिस्टोन के बिना होता है ओके okay? यानी कि हिस्टोन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है अगर हम नॉस्टोक के इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो नॉस्टोक आर इम्पोर्टेंट फॉर देन नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी और दे आर यूज इन पेडी फील्ड एंड आर आल्सो यूज टू तो इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ सॉइल जो सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होता है और दे आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन सी उसमें प्रोटीन और विटामिन सी भी पाया जाता है इसकी वजह से नॉस्टॉक फ्लैजलीफॉर्म और नॉस्टॉक स्टॉक जैसे स्पीसीज हैं नॉस्टॉक की वो एशियन कंट्रीज़ में ऐसा फूड इस्तेमाल किया जाता है दूसरी अगर उसकी इम्पोर्टेंट देखिए तो साइनोबैक्टीरिया कैन कन्वर्ट सीओ टू टू तो बायोफ्यूल में वो कन्वर्ट करता है और नॉस्टॉक स्टॉक एव सोन टू तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है दे कैन बी यूज फॉर बायो रिमेडिएशन ऑफ वेस्ट वाटर एंड डिग्रेड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट ओके okay, उसकी नॉन स्टॉक की दूसरी स्पीसीज है जैसे कि नॉन स्टोक मस्कोरों नॉन स्टोक कॉम्यूनी और नॉन स्टॉक इंसुलेर ये उसकी कुछ स्पीसीज है जो एंटीबैक्टेरियल और एंटीवायरल एक्टिविटी उसमें होती है एंड मे बी यूज इन फ्यूचर टू प्रिपेयर ड्रग्स चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन नॉन स्टॉक नॉन स्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो जनरली रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली होता है नॉन स्टॉक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट होता है उसमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि हॉर्मोगिया के द्वारा होता है और एकनेट्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है और हीट्रोसिस्ट जो पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पार्ट लेता है ओके उसमें फर्स्ट है हॉर्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूटना ओके हॉर्मोगोनिया आर फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन हिट्रोसिस में फॉर्म द ब्रेकिंग पॉइंट इच हॉर्मोगोनियम ग्रोस इनटू अ न्यू फिलामेंट बाय रिपीटेड सेल डिवीजन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो नोस्टोक no की सेल बॉडी है उसमें से फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है ओके और वो न्यू डॉटर जैसा मदर सेल है वैसे ही डॉटर सेल में सेल डिवीजन करके उसके जैसा ही ग्रो करता है ओके सेकंड हम देखें कि एक फॉर्मेशन एक फॉर्मेशन कैसे होता है टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन सम सेल एंड लार्ज एंड कवर्ड बाय थिक वॉल कॉल्ड काइनेट्स और रेस्टिंग स्पोर ए काइनेट फॉर्मेशन मीन्स की वो अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तो कुछ सेल उसमें लार्ज बन जाते हैं और उसकी सेल वॉल थिक सेल वॉल होती है थिक बन जाती है ओके और वो रेस्टिंग स्पोर होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो स्पोर जर्मिनेशन करेंगे ओके ये हो गया एक फॉर्मेशन अब हिट्रोसिस्ट जो नॉस्टॉक की सेल बॉडी में जो हिट्रोसिस्ट पाया जाता है उसकी थिक सेल वॉल होती है उसके वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एज वेल एज एस एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है ओके हिट्रोसिस जो होता है वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है मदर सेल उसमें से डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है ओके अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग